मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ग्वालियर प्रवास पहुंचे। ग्वालियर एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी किया। वहीं नड्डा के इस दौरे ने मध्य प्रदेश की सियासत में बड़ी सुगबुगाहट पैदा कर दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी के अध्यक्ष का अचानक ग्वालियर पहुंचना मध्य प्रदेश की सियासत को सियासी हवा दे रहा है। नड्डा दो दिवसीय ग्वालियर के प्रवास पर आए हुए हैं। चर्चा है कि जेपी नड्डा सीएम शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा के साथ बैठकर मीटिंग कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा बीजेपी के सीएम फेस को लेकर भी हो रही है। ऐसे में बंद कमरे में क्या खास चर्चा होने वाली है, इस पर सभी राजनीतिज्ञों की नज़र है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में हैं, उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की ज़िंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफ़र है जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। और चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है।